तो so, इस तरीके से लड़की जो है डॉटर वो पिताजी को समझाने की कोशिश कर रही है शी इज ट्राइंग टू मेक हर फादर अंडरस्टैंड दैट इज नॉट सो इजी नॉट गुड टू शो दिस मैन अवे फ्रॉम द डोर जस्ट बिकॉज यू फेल टू रिकोग्नाइज हिम और यू रिकोग्नाइज रॉन्गली एट द सेम टाइम शी ऑल्सो स्पोक about the difficulties that this man was, must have faced walking and walking trotting around the whole country not a single day taking rest and what not uske sath ye bhi ek hai ki ye dara rehta hai kis baat se being arrested he is always afraid of being arrested and being cross examined जिस कपड़े में है जिस भाव भंगिमा में है जो रूप है उसका उसको देख के कोई भी अपराधी समझ सकता है चोर चक्का समझ सकता है तो इस प्रकार लड़की यानी उसकी डॉटर पिताजी को समझाने की कोशिश कर रही है और चाहती है कि वो यहां रहे कम से तो कम क्रिसमस ईव मना के उसके बाद ही जाए शी सेम यू मिस टू केम फॉर योर फ्रेंड Or for your colleague, brought him over here, he has come. Now let him have fun for the day. Khalal The girl thought that if this man goes, that atmosphere of fun, that atmosphere of having a guest will be spoiled. And so she is giving one reason after another to her dad.

police cross-examination ke liye Because this man was looking very ugly. He was in rags with beard, tottered beard, uh, uh, unkempt crop of hair and rags. So all this made this man's life very miserable. And so dear dad, please let him stay. Always he is afraid. He has been living in the world of fear. And so she said at the end i should like to have him enjoy some peace over here just one day in a whole year and that one day is christmas day for which this girl was preparing since morning the iron master that is the father of the girl mumbled something to mumble means bud budhana which man kehana. होंठ हिलाते हुए कुछ कहते हैं अपनी जो उसकी भी जो दाढ़ी थी उसको थोड़ा सा हिलाते हुए उसने कुछ सोचा क्या बोलूं क्या करूं ही कुड नॉट ब्रिंग हिम सेल्फ टू अपोज दिस और अब वो स्थिति आ गई जब ही कुड नॉट ब्रिंग हिम सेल्फ टू अपोज हर कि अब वो अपनी डॉटर का विरोध नहीं कर पा रहा था क्योंकि डॉटर ने इतने कन्विंसिंगली कहा था समझाते हुए सब बात कही थी अनुरोध किया था तो उसके सामने अब ये अपने को आ, ऐसा माना ऐसा मानो उसको लग रहा था कि अब अच्छाए हाँ पाया और आपको याद होगा कि इसके पहले भी ही ही वॉज द वन फादर वॉज द वन सेंट हिज डॉटर टू ब्रिंग दिस मैन होम ही थाट टू भी ऑल ऑफ

उसने कहना जारी रखा यही नहीं रुकी मिस्टेक क्या थी कौन सी मिस्टेक गलत पहचान की मिस्टेकन आइडेंटिटी की कि आयरन मास्टर ने उसको अपना पुराना सहयोगी माना था तो दैट वॉज अ मिस्टेक बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे ए ह्यूमन बींग हुम वी हैव आस्ट टू कम हियर। टू चेज करना मतलब भगा देना पीछा करना पीछे पड़ जाना उसको दौड़ा देना यू चेज ए डॉग द पुलिस चेज द क्रिमिनल तो दिस चेजिंग करना टू चेज मतलब पीछा करना पीछे पीछे जाना तो शी एंड कंटीन्यू से यह उचित बात नहीं है कि आज हम उसे भगा दें और ख़ासकर उसे मतलब उसे भगा दें जिसे हम खुद लाए हैं होम वी हैव ब्रॉड वी हैव हिम टू कम ही डिड नॉट कम We asked him to come. You remember that man, stranger, was continuously saying no, no, no to the invitation by Iron Master. She is pointing out at that. Ki, Papa, we kept asking him to come, and that's how he has come. It is not his fault. Fine, mistake is done, but still, let him stay here today. As a human being, come manavata ke nate ek admi ke होने के नाते उसके साथ ऐसा बर्ताव ना करें और उसे हम भगाएं ना and whom, and to whom we have promised Christmas, और फिर अपनी बात पर और बल देते हुए कहती है to whom we have, हमने उसे प्रॉमिस किया है कि तुम्हारा जो क्रिसमस होगा वो शानदार होगा ये हमने वादा किया यही वादा करके तो उसको लेके आए हैं तो अब कम से कम हम अपना वादा पूरा करें पहचान में गलती हुई वो भी गलती हमारी है तो अब उसको अपने वादे को पूरा किए बिना भेजना हमारी दूसरी गलती होगी दैट विल बी सेकेंड मिस्टेक इफ वी सेंड हिम ऑफ विदाउट सेलिब्रेटिंग क्रिसमस सो फादर प्लीज लेट हिम स्टे यू डू प्रीच वर्स देन ए पर्सन सेड द आयरन मास्टर इतना सब सुनने के बाद आयरन मास्टर ने कहा और क्या कहा यू डू प्रीच वर्स देन ए पर्सन प्रीच करना मतलब भाषण देना लेक्चर झाड़ना जिसको बोलते हैं ना हिंदी में यू आर प्रीचिंग और वैसे प्रीचर मतलब होता है जो धार्मिक सभाओं में जो भाषण देते हैं संत लोग साधु लोग गुरु लोग उसे प्रीचर कहते हैं तो यहाँ पे यू डू प्रीच वर्स देन ए पर्सन तुम एक व्यक्ति से ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण देते हो बोलते हो सेट द आयरन मास्टर आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस मैं केवल यह चाहता हूँ कि तुम्हें इसका अफसोस न हो यानी वो कौशन कर रहा है टू रिग्रेट मतलब अफसोस करना आई रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉस्ट टू यू बाय मेरे द्वारा आपको जो असुविधा हुई है उसके लिए मैं अफसोस कर रहा हूँ उसके लिए मैं खेद करता हूँ तो वो होता है रिग्रेट रिग्रेट so, तो तुम कुछ ज्यादा ही भाषण दे रहे हो खैर मैं केवल ये प्रार्थना करता हूं भगवान से कि यू वॉन्ट तो कि ये जो तुम बार बार कह रहे हो ये शाम रात को रुके इसका तुम्हें बाद में पछतावा ना हो और कुछ गड़बड़ ना हो जाए अभी तो हमने ले आया उस आदमी को ठीक है कपड़े पहना है नाश्ता खिलाए सब परफ संभाले जान गए कि ये आदमी वो नहीं है कुछ गलत हुआ है लेकिन कहीं रात में फिर गड़बड़ ना हो जाए ये तुम देखना है? मतलब हम भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं बिकॉज दिस मैन वॉज नाउ आयरन मास्टर वॉज वरीड कि दिस मैन माई डू एनी थिंग नाउ बिकॉज ही इज नॉट नील ही इज नॉट हिज एक्वाइंटेंस प्लस ही हैज ए डॉटर प्लस द इज ए क्रिसमस मेरी टाइम शरीफ इज ऑल्सो प्रॉब्ली एक्सपेक्टेड टू कम और इस सब में ऐसा कुछ ना हो जाए जिसके लिए बाद में अफसोस करना पड़े पछतावा हो ही स्प्रें वी ओनली होप दैट यू डोंट रिपेंट लेटर दंग गर्ल ट्रुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड यह सब सुनने के बाद लड़की जो है उसने बाय द हैंड हाथ पकड़ के उस स्ट्रेंजर को अपने साथ ले गई अजनबी को अपने साथ ले जा रही है वो स्ट्रेंजर कौन था वही जिसे नील्स ओलाफ समझा गया था आयरन मास्टर के द्वारा वो स्ट्रेंजर वही था जिसे लड़की समझ समझ गई थी कि ये कुछ अनपढ़ आदमी हैं। ये वो नहीं लग रहा है कि पढ़ा लिखा हो कितना भी दुनिया बदल जाए एक पढ़ा लिखा आदमी ऐसा बर्ताव नहीं करेगा ये वही व्यक्ति है जिसे जिसको देखकर डॉक्टर को लग रहा था कि शायद ये चोर चक्का तो नहीं है शायद ये थीफ तो नहीं है होल्डिंग हिज हैंड द गर्ल टेक्सिम टू टेबल नाउ यू रिमेंबर

टेबल लेमेबल मतलब टेबल की ओर ले गई लीड करना मतलब आगे आगे चलना लीड लेड लेड तो वो उसको आगे हाथ पकड़ के ले गई और टेबल पे बैठाया नाउ सी डाउन एंड ईट शी सेन इन आई टोल्ड यूर लियर टू गिव इन मतलब बात मान जाना तो अब उसको लग गया था द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर एंड शी आज दैट मैन नाउ यू ईट बिकॉज शी कुड अंडरस्टैंड दैट माई फादर हैज़ नाउ सरेंडर्ड सरेंडर टू वॉट सरेंडर टू माई वर्ड्स मैं जो कहा है मैंने जो कहा है पिताजी उस बात को मान गए हैं और अब चुप हो गए हैं कुछ नहीं बोलेंगे टू गिव इन सो शी वॉज कन्विंस दैट हर फादर हैड गिवन इन उसकी बात मान ली है

खाने लगा देखिए बोलने का तरीका अंग्रेजी का हेल्प हिमसेल्फ टू फूड आई हेल्प माई सेल्फ टू स्टैंड अप मैंने अपने स्वयं को खड़ा करने में मदद की सो ही हेल्प हिमसेल्फ टू फूड खाने लगा बेचारा बिना एक शब्द बोले इतनी बातचीत चल रही थी माँ और पिताजी मा, बेटी और पिताजी के बीच में बट दिस मैन केप क्वाइट ही वॉज ब्रॉट टू द टेबल एंड नाउ ही स्टार्टेड ईटिंग टाइम आफ्टर टाइम ही लुक एट दंग गर्ल और खाते हुए time after time, time after time मतलब हर समय थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी थोड़ी देर में वो लड़की को देखता था ही लुकड अप एट द गर्ल हुट फॉर हिम टू इंटरसीड मतलब मैंने आपको बताया था टू इंटरसीड मतलब दखल देना बीच में आना बातचीत के बीच में आके लड़की ने कुछ कहा था उसको याद करते हुए वो उस लड़की को बार बार देख रहा था और साथ ही खाते जा रहा था ही लुक डेट द यंग गर्ल हैड इंटरसीडेड फॉर हिम जिसने स्ट्रेंजर के पक्ष में दखल दिया था और पिताजी को मनाने की कोशिश की थी कि पिताजी इसे आज तो रहने दो वाई हैड शी डन स्ट्रेंजर के दिमाग में सवाल आ रहा था बार बार कि उसने ऐसा क्यों किया क्यों मेरे पक्ष में बोल रही है वाई हैज शी डन ऐसी क्या बात है जो मेरे लिए बोल रही है तो उसके मन में अब गुणा भाग चलने लगा एक के बाद एक कैसी घटनाएं हो रही हैं अब उसको लगा ये लड़की अब कुछ बोल रही है अब क्या चक्कर है अब क्या बात है वाई क्यों उसने मेरे लिए इतनी वकालत की अपने पिताजी के सामने वॉट कुड द क्रेजी आइडिया बी लुक एट दिस सेंटेंस क्रेजी मतलब पागलपन इसके पीछे से क्या क्या बात है ऐसा सोचने लगा व्हाट इज दैट क्रेजी आइडिया विचित्र अजीब यू आर क्रेजी तुम पागल हो गए हो क्या अरे आर यू गॉन क्रेजी कोई कहता है कि लेट अस गो ऑन स्कूटर फ्रॉम हियर टू नागपुर एट डिस्टेंस ऑफ 300 हंड्रेड किलोमीटर नॉन स्टॉप कोई ऐसा आपको कहता है तो आप क्या बोले आर यू क्रेजी क्या तुम पागल हो गए जो 300 किलोमीटर जाएंगे तो ये लड़की को देखकर कर यहाँ पे स्ट्रेंजर के दिमाग में लग रहा है कि वॉट इज दैट क्रेजी आइडिया ऐसा क्या उसके मन में है जिसके कारण वो मेरा पक्ष ले रही है मेरी वकालत कर रही है मुझे देखभाल कर रही है मुझे नाश्ता खिला रही है और मुझे यहाँ पे क्रिसमस मनाने के लिए जिद कर रही है कहीं आगे कुछ और चक्कर तो नहीं है कहीं आगे कुछ और समस्या तो नहीं है दूसरे शब्दों में कहीं और किसी ट्रैप में तो नहीं फंसने जा रहा हूँ एक के बाद एक दो तीन ट्रैप में तो फंस गया मैं अब ये कुछ नया प्रॉब्लम लेके कुछ सामने और ना हो जाए दैट इज वॉट ही स्टार्टिंग वॉट कुड द्रेजी आइडिया भी आफ्टर दैट क्रिसमस की संध्या उसी तरह गुजर गई पास्ट मतलब गुजर जाना जैसे कि हर बार गुजरती थी द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीपुर सेलिब्रेशन के दौरान क्रिसमस ईव के कार्यक्रम के दौरान स्ट्रेंजर ने कोई परेशानी नहीं की डिड नॉट कॉज टू कॉज मतलब कारण बनना यू कॉज द एक्सीडेंट एक्सीडेंट तुम्हारे कारण हुआ है या इस एक्सीडेंट का कारण तुम हो सो ही डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बट वन थिंग ही डिड ही डिड नथिंग बट टू स्लीप वो सोता रहा बेचारा आप सोच सकते हो कितना थक गया होगा आदमी रात भर भी सोया फिर नाचता फिर सोने लग गया ही केप स्लीपिंग सेलिब्रेशन वे आर गोइंग ऑन बट दिस मैन केप स्लीपिंग द होल फोर नून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द होल फोर नून फोर नून मतलब क्या होता एक तो आफ्टर नून और एक फोर नून सुबह के 12 बजे के पहले का समय फोर नून कहलाता मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के समय के बाद से लेकर 12 बजे तक के समय को फोर नून कहते हैं समवेयर अराउंड नाइन थर्टी टेन टू ट्वेल्व इज कॉल्ड फोर नून एंड आफ्टर ट्वेल्व टू अबाउट थ्री फोर ओ क्लाक इज आफ्टर नून सो द होल फोर नून पूरे फोर नून में वो सोफा में लेटे रहा टू तो ले मने लेटना ही ले ऑन द सोफा लाई से बना ले To lie manilatana, lie lay laid. He lay on the sofa in one of the uh, 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 places there. Or was the sofa tha? It was in one of the guest rooms. One of the guest rooms means there were many guest rooms. So in one of the guest rooms in sofa, he kept lying and sleeping and slept at one stretch. वन स्ट्रेच मना बिना किसी बाधा के बिना किसी रुकावट के बिना किसी आ, ब्रेक के विदाउट एनी ब्रेक वो उठा ही नहीं जो सोया तो सोफे में सोता रह गया एट नून दे वो खिम अब अब बारह बजा नाश्ता हुआ सुबह नौ बजे का उसके बाद ये जनाब सो गए सोने के बाद बारह बजे उनको उठाया गया दे वो खिम अब वेक से बना वोक टू वेक मने उठाना तो उसको उठाया गया सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ गुड क्रिसमस फेयर ताकि उसे क्रिसमस मेला का आनंद मिल जाए यहां देखिए फेयर शब्द क्या है एफ ए आर ई -E, फेयर मने मेला और एक फेयर मतलब होता है गोरा और एफ ए आर वो फेयर है एफ ए आई आर और एक फेयर होता है मतलब ईमानदारी एफ ए आई आर फेयर यहां जो फेयर है इसका अर्थ है मेला और फेयर यही स्पेलिंग का अर्थ होता है किराया भी फेयर फ्रॉम रायपुर ट्रेन का किराया कितना है दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है फेयर एंड फेयर राइट सो उसको उठाया गया सो दैट ही कुड गुड क्रिसमस फेयर ताकि वो भी क्रिसमस के मेले का आनंद ले सके इसलिए उसको उठा दिया गया बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन थोड़ा बहुत वो मेले में आनंद लिया थोड़ा बहुत देखा दाखा उसके बाद फिर सो गया यू कैन इमेजिन हाउ टायर्ड दिस मैन मस्ट बीन कितना थका हुआ होगा और यू शुड थिंक कि जो ऐसे रोड में जो दिखते हैं लोग इनके प्रति कई बार हम लोग बड़ी बुरी भावना रखते हैं पर ये सोचें कि इनके कितनी थकान होती होगी बेचारे कहां सोते हैं कहां रहते हैं कितना चलते हैं चलते ही रहते हैं सो हियर दिस मैन स्लिप्ट अगेन इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही नॉट बीन एबल टू स्लीप टू सीम मतलब लगना महसूस होना ऐसा लग रहा था मानो बहुत वर्षों से वह सो नहीं पाया था ही फॉर मैनी ईयर्स तभी तो ऐसा लाइक ए लॉग ऑफ वुड लकड़ी के बड़े तने जैसा वो पड़ा हुआ था जब मौका मिलता सो जाता था एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रैम जितने शान तरीके से और जितने सुरक्षित माहौल में वो सो रहा था ऐसा कई वर्षों से नहीं सोया होगा ऐसा लग रहा था क्यों सोया होगा लगातार उसको डर रहता था कि मुझे कोई अपराधी ना समझे लगातार उसको पेट की भूख उसको परेशान करती थी लगातार उसको छाया शरण की खोज रहती थी उसमें भटकता रहता था तो पूरे समय तनाव में रहता था यहाँ पर बेचारा निश्चिंत राहत के साथ पूरी सुरक्षा के साथ वो भी सोफे में सो रहा राम जो वर्क के आयरन मास्टर के यहाँ उसके गेस्ट रूम के सोफे में आयरन मास्टर मतलब जो मालिक था उसका उसके सोफे में सो रहा है आप सोच सकते हैं कितनी कितना उसको आराम मिला होगा इन द इवनिंग अब शाम होती है इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री लाइटेड दे वोक हिम अप अगेन जब क्रिसमस ट्री को जलाया गया तो फिर इसको उठाया गया ये अर्थात दोपहर से शाम तक ये फिर सोते रहे रात भर सोए सुबह नौ बजे नाश्ते के लिए तैयार हुए आए नाश्ते के बाद फिर सो गए बारह बजे फिर उठाया एक आध घंटे थोड़ा सा मेला घूमे और उसके बाद फिर सो गए अब शाम को उठाया गया दे वो हिम अप अगेन कब वेन क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड आप देखे होंगे क्रिसमस ट्री को जला उसमें लाइट लगाते हैं बड़े सुंदरता से सजाते हैं सांता क्लॉज और जीजस क्राइस्ट ये सब आस पास मैरी मदर मैरी ये सब वहाँ दिखाई देते हैं उनका एक, एक डिस्प्ले रहता है एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राॅइंग रूम और कुछ देर के लिए वो ड्राॅइंग रूम में खड़ा रहा आया स्टूड फॉर ए वाइल फॉर ए वाइल मतलब कुछ समय के लिए आई एम गोइंग आउट फॉर ए वाइल मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ आई एल बी बैक शॉर्टली मैं जल्दी आ जाऊँगा फॉर ए वाइल आई स्टैंड कुछ समय के लिए तो मैं एकदम चौंक गया सो फॉर ए वाइल एक फ्रेज है While मने जब केवल वाइल लेकिन फॉर ए वाइल मतलब कुछ समय के लिए तो उसको उठाया गया फिर से जब क्रिसमस ट्री लाइट अप हो रहा था ड्राइंग रूम में तो कुछ देर के लिए वो ड्राइंग रूम में आके खड़ा हुआ ब्लिंकिंग एज दो कैंडल लाइट हर्ट हिम ब्लिंक करना मतलब आंखें मिच मिचाना आंखें बार बार मिच मिचा रही थी उसकी His eyes are blinking. जब तेज रोशनी होती है तो आपकी आंख चमकती है चौधियाना जिसको बोलते हैं उस चौंधियाने तेज चमक में आप लाई आंख को बार बार एडजस्ट करने की कोशिश करते हो तो एज दो मतलब मानो, दो मने यद्यपि और एज दो मतलब मानो उसकी आंखें ऐसी चुंधियारी थी मानो कैंडल लाइट जो है मोमबत्तियां जो जली थी उसके प्रकाश उसको तकलीफ दे रही थी टू हर्ट मतलब तकलीफ देना चोट पहुंचाना किसी की भावनाओं को हर्ट करना डोंट हिस्सेंट उसकी भावनाओं को चोट मत पहुंचाओ तो आंखें उसकी बार बार मित रही थी क्योंकि और मानो ऐसा लग रहा था कि वो जो कैंडल लाइट जली है, तो वैसी कैंडल लाइट इतनी सॉफ्ट होती है उस सॉफ्ट लाइट में भी उसकी आंखें बार बार मिच थी क्यों क्योंकि बेचारा कल से जो सो रहा था सो रहा था सो रहा था उसके कारण थोड़ी सभी प्रकाश उसको लग रहा था तकलीफ दे रहा था बट आफ्टर दैट ही डिस अगेन थोड़ी देर वो वहां खड़ा रहा फॉर ए वाइल उस दौरान भी उसकी आंखें बार बार चमक रही थी टिमटमा रही थी और वो फिर चला गया अपने वापस ही डिसअपियर्ड अगेन डिसअपियर गायब हो जाना ओझल हो जाना अदृश्य हो जाना तो वो फिर गायब हो गया टू आवर्स लेटर ही वॉज दो घंटे बाद उसे फिर उठाया गया यानी आदमी सोना ही चाह रहा था बस और ये लोग क्रिसमस के नाम से उसको रखे थे और क्रिसमस में भी आदमी सो रहा था ये लोग चाहते थे कि क्रिसमस में भाग ले उसको फिर उठाया फिर उठाया फिर उठाया फिर, उठाया, फिर ये सो जाता था दे अराउज टू अराउज मैंने जगाना दे अराउज हिम अगेन उसे फिर जगाया वंस मोर एक बार वंस मोर मैने एक बार और जब कोई सब बहुत अच्छा प्रोग्राम आता है मंच पे या कोई गाना गाता है मंच पे तम बड़ी सिंग्स ब्यूटिफुल सॉन्ग तो पब्लिक क्या बोलती है वंस मोर वंस मोर मतलब एक बार और तो यहाँ एक बार और ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरेज उसको फिर जगाया और अब किस लिए जगाया होगा खाने के लिए कि भैया भोजन का समय हो गया है तो उसे अब फिर गो डाउन उसे नीचे लाया गया वो कमरा नीचे रहा होगा इनटू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश क्रिसमस का जो खास जो आइटम रहता है खाने का क्रिसमस फिश और पॉरिज वो उसे दिया गया और खा लिया उसने एज टू नज दे गॉट अप्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू जैसे ही सब लोग उठे टू तो गेट अप मैंने उठना बिस्तर से उठना मॉर्निंग में बेड टी जो लेते हैं जब मॉर्निंग में पहले गेटअप होता है कि कुछ और होता है यू अप फ्रॉम द बेड गेट आउट ऑफ द बेड बिस्तर से बाहर आना एंड अप मतलब उठना बिस्तर से उठना alarm wakes you up. Alarm जो होता है वो आपको अप नहीं करता अलार्म आपको जगाता है जगाना और बिस्तर से उठना दोनों में अंतर है यहां जो अलार्म बजता है वो वेकिंग के लिए बजता है आपको जगाने के लिए और आप बेड टी बिस्तर में लेते हैं उसके बाद वो गेटअप होता है फिर आप बिस्तर से उठते हैं सो ही गॉट अप दे ऑल गॉट देन ही वेंट टू एवरीबडी वन बाय वन टू ईट एंड थैंक बहुत बहुत धन्यवाद उसने सबको कहा थैंक यू एंड गुड नाइट और फिर गुड नाइट भी कह दिया गुड नाइट मतलब क्या हुआ विदाई लेने लगा ही सेड थैंक यू खाने के बाद उसने सबको कहा धन्यवाद थैंक यू उसके बाद निकल बट वेन ही जब वो थैंक यू कहते कहते लड़की के पास आया वो डॉटर के पास आया जिसको लेकर इसके मन में बहुत से सवाल कौतूहलवश उठ रहे थे एक सवाल जिसमें यह था कि ये लड़की मेरे लिए इतना क्यों कर रही है जब उसके पास आया तो उसने उस लड़की ने ऐसा कुछ उसको महसूस कराया ही गेव हिम शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड गेव हिम टू अंडरस्टैंड मतलब दिया नहीं उसको महसूस कराया टू गिव टू अंडरस्टैंड आई वॉज गिवन टू अंडरस्टैंड दैट आई हैव टू कम एट फाइव ओ क्लॉक टू यू मुझे ऐसा महसूस कराया गया कि मुझे पाँच बजे आपके पास आना है आई वॉज गिवन टू अंडरस्टैंड ट so लड़की ने महसूस कराया कि जो आप सूट पहने हुए हो आज ये पिताजी का इरादा था कि आपको दें क्रिसमस के प्रजेंट के रूप में पिताजी की इच्छा थी इट वॉज फादर्स इंटेंशन इंटेंशन मतलब आ, इरादा योर इंटेंशन शुड ऑलवेज बी गुड आपके इरादे हमेशा अच्छे होने चाहिए देन यू विल सक्सीड सो द गर्ल मेड हिम अंडरस्टैंड गर्ल ने उसको महसूस कराया कि जो सूट पहने हुए हो ये तो पिताजी आपको क्रिसमस में गिफ्ट देने के इरादे से उन्होंने तैयारी की थी विच ही वोर वोर किससे बना वियर से टू वीयर मैंने पहनना वी आर वोर वर्न वी आर वोर वर्न विच ही वोर वॉज ए क्रिसमस ट्री क्रिसमस प्रेजेंट गिफ्ट है मानो जो ही डिड नाट ये तुम्हें वापस नहीं देना है भाई क्योंकि जब वो लड़की के पास आया वहाँ पहुँचते पहुँचते तक उसने शायद सूट का कोट का बटन खोलना शुरू किया होगा और यदि टाई पहनी रही होगी तो उसको हटाया होगा तो ऐसा महसूस ऐसा लड़की को लगा दैट प्रॉब्लली दिस मैन इज टेकिंग आउट द क्लोथ्स और दिस गर्ल मेड हिम अंडरस्टैंड नो 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 दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई फादर एज क्रिसमस गिफ्ट सो यू डोंव टू रिटर्न इट एंड इफ़ यू वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस इव इन ए प्लेस वेर ही कुड नॉट रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो ई विल वर्क बिफॉल हिम ही वुड बी वेलकम बैक अगेन और फिर लड़की ने आगे ऐसा भी महसूस कराया ऐसा भी कहा मानो कि तुमको ये वापस ही नहीं करना है ये तो पिताजी का गिफ्ट है और इसके साथ ही साथ आगे कभी क्रिसमस मनाना हो और आप को मन की शांति ना हो क्रिसमस मनाने के लिए कोई अच्छी जगह आपको ना मिले यू वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस इन ए प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस आप फिर चाहते हो कि अगले क्रिसमस में ऐसा शांत माहौल मिले जहां तुम आराम कर सको रेस्ट इन पीस शांतिमय माहौल मिले और सुनिश्चित होना चाहते हो कि कोई बुरी कोई बुरा हादसा आपके साथ ना हो टू बी श्योर दैट नो ईविल वुड बी फॉल हिम बी फॉल मतलब ऊपर गिरना आपके ऊपर कोई गलत घटना ना हो बुरी घटना ना हो अर्थात चोरी चपाटी या किसी के साथ मार पिटाई झगड़ा ऐसा कुछ आपके साथ ना हो क्रिसमस के दौरान और क्रिसमस में आप आराम से त्योहार मनाना चाहते हो आगे आने वाले वर्ष में तो मेरे दोस्त यू आर वेलकम बैक हियर अगेन अगले साल फिर हम तुमसे मिलेंगे यदि तुम्हारी इच्छा हुई तो यहाँ आओ दिस इज वॉट द गर्ल इज से गर्ल इज यू नो वेरी वेरी फ्रेंडली टू दिस मैन वेरी जेनरस हम और आपको भी ऐसा रहना चाहिए कोई अनजाना व्यक्ति है तो क्या इवन इफ समबड इज अनोन बट इफ हीज एमन बींग वी मस्ट हैव ए ग्रेट सोल To treat him like a human being, and the girl was doing her job beautifully. She even offered him to come next year, if he wants a place to, to rest, if he wants a place to be free from all fears. She offered him come next year again. The man, ab kya hua? The man with the rat trap did not answer anything to this. Larki apna bol rahi thi, anurodh kar rahi thi, Ushe offer kar rahi thi rat trap. मैंने कुछ नहीं कहा चुप रहा वो वैसे भी पूरे समय चुप था दिन भर तो चुप रहा ही ओनली स्टार्टेड एट यंग गर्ल इन अमेजमेंट स्टेयर करना मतलब घूरना घूरने का दो अर्थ होता है एक तो बुरी दृष्टि से और एक स्टेयर करना मतलब गौर से देखना तो वो लड़की को गौर से देखने लगा इन बाउंडलेस अमेजमेंट बाउंडलेस मतलब असीम जिसकी कोई सीमा नहीं बाउंड मतलब बंधन और बाउंडलेस मतलब जिसका बंधन ना हो बाइंड से है टू बाइंड मैंने बांधना बाइंड बाउंड बाउंड बाउंडलेस एनर्जी मतलब असीम एनर्जी अमेजमेंट मतलब हैरानी वो आदमी स्ट्रेंजर तो चक्का था कि लड़की मेरे को इतना क्यों इज्जत दे रही है उसको समझ में नहीं आ रहा था तो उसने ये भी सोचा था व्हाट क्रेजी आइडिया उसका क्या उसके मन में क्या विचार है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कई बार तो ये स्ट्रेंजर को ऐसे ही लगा मैं किसमें कहाँ फंसूँगा क्या होगा पता नहीं इस दुविधा में वो लगातार था और यहाँ आखिरी बार जब लड़की ने सब कहा वेन द गर्ल सेड ऑल दिस ही लुकड एट द गर्ल वेरी केयरफुली स्टेड एट हर विथ बाउंडलेस अमेजमेंट बड़े उसके साथ असीम हैरानी के साथ कि क्या लड़की है वॉट ए गर्ल शी व्हाट ए सोल शीज उट दर्ल वट इज सोल शीट शी इज बींग सो फ्रेंडली टू एन अनोन पर्सन इवन दो शी नोज दॉट हर फादर कल नो दैट पिकर शी नो दैटो बट टिली ट्रीटिंग मी सो वेल इस बात को लेकर उसको बड़ी हैरानी हो रही थी एक बार और उस दृश्य की कल्पना करिए जहाँ पर यह आदमी जो स्ट्रेंजर है वो अंत में थैंक्स बोलते हुए सबको धन्यवाद दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि शायद वो जाने की तैयारी कर रहा है और इसी के पहले वो सबको धन्यवाद देना चाहता है किस बात का धन्यवाद दैट आई हैव एन्जॉयड क्रिसमस विथ यू ऑल यू हैव गिवन मी कंपनी रिस्पेक्ट ऑनर एंड वॉट नॉट एंड देन द गर्ल गिवस हिम द फीलिंग दैट यू आर वेलकम नेक्स्ट ईयर ऑल्सो एंड दिस मैन इज टोटली अमेज्ड दिस इज वॉट इज गोइंग ऑन and now we come to the last part of this chapter very very touching <laughs> बहुत भावपूर्ण ये अंतिम हिस्सा है फील द स्टोरी ये केवल कहानी को पढ़ो मत इसको फील करो महसूस करो कल्पना करो कि आपके घर के आसपास ही कहीं ये सब हो रहा है और आप भी किसी अनजाने से टकराए हैं भले ही एक्जैक्टली ये कहानी आपके में रिपीट ना हो पर ऐसी कुछ घटना हुई हो और उससे आप मिलान करिए देखिए आपको बहुत सुकून मिला यू विल रियली फील ए सेटिस्फैक्शन दैट यू टू द लास्ट पार्ट ऑफ इट नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी लड़की दे गॉट अप इन गुड सीजन अच्छे मूड में वो उठे बिस्तर से फॉर अर्ली क्रिसमस सर्विस क्रिसमस के बाद अगले दिन क्रिसमस सर्विस होती है चर्च में जिसमें सभी क्रिश्चियंस ईसाई धर्म के अनुयायी और जिन्होंने क्रिसमस मनाया वो सब वहां जाते हैं और उसके बाद वहां पे शाम पढ़ते हैं पी एस ए एल एम शाम प्रेयर पढ़ते हैं फादर रहते हैं चर्च के अंदर के तो ये लोग सुबह उठे दोनों कौन फादर एंड डॉटर दे गॉड अप इन गुड सीजन टू गो टू अर्ली क्रिसमस सर्विस गेस्ट एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम दूसरे उनका जो गेस्ट था अर्थात ये स्ट्रेंजर वो अभी भी सो रहा था तो उन्होंने कहा इसको डिस्टर्ब मत करो इसको सोने दो हम लोग चर्च से प्रार्थना करके आ जाएंगे फिर उसको उठाएंगे और ये क्रिश्चियन तो है नहीं तो ठीक है रहने दो इसको यहीं सोने दो तो दे डिसाइडेड टू गो फॉर चर्च विदाउट डिस्टर्बिंग हिम एंड दे सो हिम दैट दिस मैन इज स्लीपिंग मतलब रात में थैंक थैंक कहने के बाद सबको धन्यवाद देने के बाद ये आदमी अपने कमरे में गया और सो गया निढाल सो गया सुबह भी सोता रहा ये दोनों उठ गए बेटी और पिताजी और चर्च जाने लगे और उन्होंने कहा इसको ऐसे ही छोड़ दो अभी सोने दो वेन एट टेन ओ क्लॉक दे ड्रो बैक फ्रॉम द चर्च अब देखिए दस बजे ये लोग चर्च से आते हैं ड्रो बैक टू ड्राइव बैक फ्रॉम द चर्च दस बजे जब ये लोग चर्च से आते हैं द यंग गर्ल सैट एंड हंग फॉर मैन जो लड़की है वो बैठ गई The girl and the father comes back and the girl finds my God. She sits down on the table with her head hung more dejectedly than usual. Dejectedly Matlab Nirashasi. Deject hatashas. I am feeling very dejected. मैं बड़ा हताश महसूस कर रहा हूं डोंट फील डिजेक्टेड एट योर फेल्योर इन द एग्जाम परीक्षा में असफल होने पर हताश मत हो डोंट फील डिजेक्टेड देन यूजुअल सामान्य हताशा से कुछ ज्यादा ही उसको हताशा लगी लड़की को हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल उसने अपना सिर हंग टू हंग किसे बना हैंग से हैंग मैंने लटका देना उसका सिर उसने अपना लटका दिया सामान्य तरीके से जैसा लटकाते हैं उदास हो जाते हैं हताश हो जाते हैं उससे कुछ ज़्यादा ही उदास हताश दिखी वो उसका चेहरा और ज़्यादा उतरा हुआ हो जब वो टेबल में बैठी तो एट चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क हैड बीन रॉब्ड by a man who went round selling rat traps. ये कहानी का मोड़ है आखिर वो लड़की जो चर्च से वापस आती है पिताजी के साथ गई थी वापस आने के बाद वो टेबल में बैठ जाती है टेबल के कुर्सी खींच के और सिर लटका लेती है बड़ी निराशा हताशा में हो जाती है सामान्य जब निराशा हताशा रहती है उससे भी ज्यादा शी अपियर टू बी मच मोर डिस

वो भी एक क्राफ्टर था वन ऑफ द क्राफ्टर कि एक क्राफ्टर का बाड़े के मालिक का क्राफ्टर मतलब बाड़ा मालिक जो आयरन वर्क्स में काम करता था आयरन वर्क्स में काम करने वाले बाड़े के एक मालिक का एक मालिक का पैसा चुरा लिया है किसी ने ही बीन रॉब्ड बाय ए मैन एक व्यक्ति ने उसका बाड़ी मालिक का जिसको क्राफ्टर कहते हैं जो आयरन स्मिथ तो नहीं था लेकिन आयरन वर्क में काम करता था उसका किसी ने पैसा लूट लिया है टू रॉब मतलब लूटना रॉब करना आई वॉज रॉब्ड ऑफ माई पर्स मेरा पर्स किसी ने लूट लिया है सम बड़ी स्टोल माई पर्थ मेरा पर्थ किसी ने चोरी कर लिया वो अलग है चोरी करना लेकिन लूट लेना अलग है आई वॉज रॉब्ड ऑफ माई मनी डोंट रॉब हिम ऑफ हिज प्लेजर उसको उसकी खुशी मत लूट लो यार लेट इम एन्जॉय डोंट रॉब हिम ऑफ हिज प्लेजर उसे जो आनंद मिल रहा है उसे उससे मत छीनो लूटना छीन लेना फोर्सफुली किसी से ले लेना वो कहलाता रॉब टू रॉब तो यहां उसने कहा लड़की को मालूम हुआ कि एक जो क्राफ्टर जो वहाँ आयरन वर्क्स में काम करता है उस क्राफ्टर को किसी ने लूट लिया है उसका पैसा किसी ने छीन लिया है ले लिया है बाय ए मैन और वो किसी ने कौन है हु इज दैट मैन ए मैन अराउंड सेलिंग ट्रैप्स एक ऐसा आदमी जो रैट ट्रैप बेचने का काम कर रहा था यहाँ वहां जाते हुए रैट ट्रैप जो बेचता था ऐसा कोई आदमी एक क्रॉप्टर का पैसा चुरा के ले गया है ऐसा उसे चर्च में पता लगा ये पता लगने के बाद लड़की का दिमाग घूम गया वो समझ गई कि या तो ये रैट ट्रैप तो ये आदमी बेचता है जो मेरे यहाँ स्ट्रेंजर है क्या वही तो नहीं है इसीलिए तो शायद वो रात को घबरा तो नहीं रहा था इसीलिए वो अपने को आ, आ, बहुत डरा हुआ सहमा हुआ तो लग रहा था इसीलिए लग रहा था क्या कि उसने चोरी की होगी और ना जाने क्या क्या बातें उस लड़की के दिमाग में आने लगी और फिर कहने लगी और ये चोर को मैंने अपने घर में रखा है क्या मैं इसको अब पकड़वा दूं क्योंकि तो उसने एक मेरे मालिक मेरे फैक्ट्री के क्रॉफ्टर का पैसा चुराया है क्या करूं समझ में नहीं आया उसको बहुत उसके दिमाग में बहुत कश चल रहा था एंड बिकॉज ऑफ दिस द गर्ल वॉज इन डीप दिस थिंग पेन नॉट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट टू डू एंड दट इज वाई शी हंग हर हेड मोर डिजेक्टेडली और ज़्यादा हताशा से उसका सिर लटका हुआ था उल्टा उसको और डर लग रहा था कि यहाँ इस घर से कुछ और लेके ना चला जाए और डर लग रहा था कि मैंने तो पिताजी को बार बार समझा के इस आदमी को यहाँ रोका है अब पता लगा कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो और पिताजी ने तो वार्निंग भी दी है कि अब आगे कुछ होगा तो तुम ही जानो तो ऑल दीज थिंग्स स्टार्टेड कमिंग टू हर माइंड वेरी फास्ट एट ब्रेक नेक स्पीड बड़ी तेजी से उसके दिमाग में घूमने लगा और उसमें उसको घबराहट लड़की को भी घबराहट होने लगी